नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको अभी होम्योपैथिक पे ही तीन चार दिन से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैंने तीन चार भाग आपको जानकारी के दिए और आज मैं जो आपको जो होम्योपैथिक की जानकारी दे रहा हूँ, तो ये जो जानकारी आज मैं जो दे रहा हूं कि होम्योपैथिक के अंदर किस रोग की कौन सी खास दवा है, एक या दो तीन जो भी है, मैं आज सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूंगा। तो उससे क्या है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको देखने से आपको सहूलियत रहती है कि इन तीन दवाओं में इसके लक्षण हैं, तो फिर आप देख करके उनमें से कोई दवा दे सकते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड सामने करता हूं, देखिए। हाँ, इस पे लिखा है होम्योपैथिक प्रमुख रोग और उनकी औषधियां जो मुख्य है। हाँ, अब मैं आपको सबसे पहले अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया, जिनको नींद नहीं आती है या कम आती है, तो होम्योपैथी के अंदर इनकी सबसे बेस्ट दवा है पैसिफ्लोरा इनकार्नाट। पैसिफ्लोरा एक विदेशी फूल का रस होता है, उसके रस से पैसिफ्लोरा दवा का मदर टिंचर बना है। तो पैसिफ्लोरा इतना सुरक्षित दवा है नींद लेने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर की आप आधे कप गुनगुने पानी के अंदर आप 50 बूंद डाल के ले लें। अगर आपको 50 बूंद में नींद आ जाती है, अथवा पहले 40 से शुरू करें, अगर 40 बूंद में आपको नींद आ जाती है तो आप 40 तक ही अपने को सीमित रखें। अगर 40 बूंद आधे कप पानी में डालने के बाद भी नींद नहीं आती तो आप 60 बूंद कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आती तो ये पैसिफ्लोरा, इसको आप एक ड्राम का 36 सीसी होती है होम्योपैथिक में, आप यूं मान के चलो कि 5 ग्राम पक्का मानिए आप, 5 ग्राम तक, यानी कि इतनी बड़ी एक पतली जो सीसी आती है एक ड्रम की, उसको पूरा भर के और आधा पौन का पानी गुनगुने में डाल के और पी के भगवान का नाम लेके सो जाएं, और मन में जो चिंताएं हैं उनको हटाने की कोशिश करें। इस पीने की दवा जो ये पैसिफ्लोरा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आज तक नहीं आया और ये बिल्कुल सुरक्षित है। पैसिफ्लोरा का प्रयोग करें, आपकी नींद की गोली की मात्रा कम होती जाएगी। हाँ, अगला जो रोग है जिसे बोलते हैं अतिसार, यानी कि ये आपके बार बार दस्त लगना अथवा लूज मौसम होना, तो इसकी जो खास दवाइयां हैं अतिसार रोग की, इसकी दवाई है खास जिसका नाम है कैम्फर। कैम्फर मदर टिंचर में भी काम करता है और पोटेंसी में भी काम करता है, और जिनको अतिसार के अंदर म्यूकस आता है तो इसकी खास दवा है चेपारो मदर टिंचर। इसके 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3-4 बार महीना 20 दिन लेने से ये आपकी एमबीबी को भी खत्म कर देगा और आपके पेट के सिस्टम को ठीक करेगा। और इसकी एक और दवा है जिसका नाम है मूथा, और अगली जो एक और दवा है उसका नाम है नागर मोथा। ये मदर टिंचर्स हैं और ये आयुर्वेदिक हैं। इनके 15-15 बूंद आधे कप पानी में 3-4-5 दफे लेने से अतिसार संबंधी बीमारी आपकी निरोग होगी।
अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अंगूठा पक जाता है जिसे अंगुल बेड़ा कहते हैं, इस रोग की खास क्या दवा। अंगूठा भी पक सकता है, अंगुली भी पक सकती है। इसकी एकमात्र जो दवा खास है उसका नाम है ब्यूफोराना। अगर ये जिसका अंगूठा इस तरह से पक जाता है तो ब्यूफोराना 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 8 दिन तक दें, दो दो बूंद जीभ पे डाल पे, और इसके साथ के अंदर डाई स्कोरिया 1000 पावर की एक खुराक ले लें। और अपने जो अंगूठा जो आपका पक गया है, सब्जी मंडी के अंदर काचरा होता है, आप जानते हैं काचरा जो छोटी ककड़ी होती है, तो उसका वो इतना साग जो होता है छोटे छोटे, उनको काचरा बोलते हैं हमारे यहाँ, काचर बोलते हैं, तो उसमें बीज निकलते हैं और खटाई के काम में आते हैं, उनकी सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है। तो मैं एक बहुत पुराना इसका नुस्खा आपको बता रहा हूँ। अंगुल बेड़ा जो अंगूठा अंगुली पक जाती है तो ये जो दवाइयाँ बताइए ये तो आपको लेनी है। एक बड़ा काचरा लेके और उसके ऊपर आप इतना छेद करें, छेद करके उसमें से थोड़ा गूदा इतना ही निकालें कि आपका इतना अंगूठा उस काचरे के अंदर घुस जाए, पूरा गूदा नहीं निकालें। तो अपने अंगूठे के अंदर उस काचरे को घुसा करके आप 2-4-6 घंटे रहें, वो आपके इसके अंदर ही रहेगा। कोई पूछेगा ये क्या, तो कह देना भाई कुछ भी नहीं है। अब वो आपकी जलन और दर्द को ऐसी शांत करेगा कि आप याद रखेंगे ये पुराने नुस्खे। आज कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। ये हुआ इलाज अंगुल बेड़ा यानी कि अंगुली अंगूठा पकने का। अब मैं चाहे 2 भाग 3 भाग मेरे को उसकी चिंता नहीं, मैं समझाऊंगा एक एक चीज को। बिल्कुल आप यूं मान के चलो कि मुझे फिर कहीं गुंजाइश नहीं रहे। हाँ, अब जिनके शरीर में अकड़न आती है शरीर एंटता है, तो इसकी दवा भी पेसिफ्लोरा खास दवा है। पेसिफ्लोरा जो नींद के लिए मैंने बताई, यही पेसिफ्लोरा मदर टीचर 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार 5-7 दिन लेने से शरीर में अकड़न का आना बंद हो जाता है और शांत नींद आएगी और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। अब मैं अगली जो आपको दवा बता रहा हूं वो दवा आमाशय यानी कि डिसेंट्री के लिए आपको जो दवा है इसका नाम है अलस्टोनिया और एगल मार्मेलस और केस्टर आयल और सिफालेंड्रा इंडिका कोनियम और हेलोरेना और प्लेटेंगो, ये इसकी खास खास दवाइयां हैं। किसकी? जिनको डिसेंट्री और आमाशय में विकार है उनके लिए अल्स्टोनिया मदर टिंचर और पोटेंसी में दोनों में काम करता है। एगल मार्मेलेस बेल के गूदे से बनता है, इसका मदर टिंचर एगल मार्मेलेस का सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है। ये खूनी दस्त को भी रोकता है और आपके पेट को एकदम बर्फ की तरह चिल्ड रखेगा। इसके 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4-5 दफे लें। और अगली जो दवा है केस्टर ऑयल इस वजह से है कि जिनका पेट ही साफ नहीं हुआ तो वो एक दफे ले सकते हैं इसको, अन्यथा न लें, और लें तो वैद्य की देखरेख में लें। और इसकी अगली दवा जो सेफालेंड्रा इंडिका है, ये इंडियन दवा है और इसका मदर टिंचर भी दिन में 3 बार कई दिन लेने से ठीक हो जाता है। और अगली जो दवा है होलोरेना, ये भी इंडियन दवा है और प्लेटेंगो मेजर, ये भी बहुत अच्छी दवा है। प्लेटेंगो को आप पोटेंसी में ही ले दिन में 3 बार 10 दिन तक। तो अगली जो बीमारी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये बीमारी बहुत कम होती है जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको सिफिलिस बोलते हैं। तो सिफिलिस अगर किसी को हो जाए, हिंदी में उपदंस कहते हैं,
तो जहां तक वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा लें तो जल्दी लाभ मिलता है। अगर मान लो कोई एलोपैथिक नहीं लेना चाहे तो इसकी जो सिफिलिस रोग की जो दवाइयां हैं, इचिनेसिया, केलोट्राफिस और शिड्रन और कैस्केरा, और इसके अलावा जैकारेंडा और काली आयोड, ये इसकी खास दवा है। इनको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से सिफिलिस का दोष ठीक हो जाता है। बहन बेटियों को माहवारी में गड़बड़ हो जाती है, कभी पहले आती है कभी बाद में आती है, और वो दर्द के साथ आती है, तो इसकी जो खास दवा है, जिनको बहन बेटियों को माहवारी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे अच्छी दवा है, इसका नाम है सिनेसिया अशोका। अशोक का जो वृक्ष होता है उससे ये दवा बनी है, भारतीय अशोक के पेड़ से, और स्त्रियों का परम मित्र है। इसका मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में महीना 20 दिन लेने से बहन बेटियों की माहवारी सही हो जाइए। और इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर अशोकारिष्ट के नाम से स्त्रियों की प्रमुख दवा है, वो भी अशोक से ही बनी है, और ये अशोका मदर टिंचर ये भी अशोक से बनी है। ये होम्योपैथिक वाली जल्दी काम करेगी, इसको महीना 20 दिन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो जिनको कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन, उनकी जो खास दवा है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा इंडियन भारतीय दवा है, और ये मदर टिंचर में बहुत बढ़िया काम करती है। दिन में 3 बार ले 15-15 बूंद, और ये एब्रोमा अगस्टा आप किसी को अगर शुगर भी है तो उसकी शुगर को भी ये कंट्रोल में करती है। बहुत प्यारी दवा है, बिल्कुल सेफ दवा है कब्जी के लिए एब्रोमा अगस्टा। और जिनको बहुत कब्जी रहती है तो कैस्टर ऑयल आधा चम्मच पी के, और रात को सो जाएं ऊपर दूध पी ले पावत पाव, सुबह 1-2 दस्त लग के पेट साफ होगा अपने वैद्य की देख रेख के अंदर, क्योंकि कैस्टर ऑयल पेट में थोड़ी मरोड़ी पैदा कर सकता है। इसलिए हाँ, कब्ज के लिए और जो दवा है वो भी इंडियन है, उसका नाम है एजा डिरेक्टा। एजा डिरेक्टा नीम के पेड़ से बना हुआ है, उसका मदर टिंचर 3 बार पीने से ये कब्ज भी ठीक होगी और शरीर में जो रक्त विकार है वो भी ठीक होगा। नीम के सारे गुण इसके अंदर हैं। और अगली जो इसके दवा है उसका नाम है क्रोटन टिगलियम। अगर ढेर सारे दस्त लगते हैं और पेट में दर्द नहीं होता है तो क्रोटन टिगलियम की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10-5 दिन ले सकते हैं। अगली जो बीमारी मैं आपको बताता हूं उसका नाम है कृमि। कृमि का मतलब कीड़ों से है, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उन्हें देसी भाषा में चूनिया कहते हैं। बच्चों के छोटे छोटे सफेद रंग के वर्म्स पड़ जाते हैं तो बच्चे अपना मल द्वार खुजलाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका घरेलू एक टोटका बताता हूँ। असली हींग को जरा सा भून के, 2 बूंद डाल के, और रुई का फोआ उसके अंदर अच्छी तरह से लथपथ करके, और छोटे बच्चे के मल द्वार में रात को सोएं वहां अटका दें, थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा ही आगे सरका दें, अटका दें। इससे क्या है कि वो जो पेट के कीड़े हैं वो बेहोश हो जाएंगे और बच्चे को नींद आ जाएगी, बच्चा हो या कोई भी हो। ये घरेलू प्रयोग बताया। और इसके अलावा जो इसकी दवाइयां हैं पेट में जो छोटे बच्चों को और को कीड़े पड़ते हैं, तो इसकी एक दवा इंडियन है, उसका नाम अटिस्टा इंडिका है, और दूसरी जो दवा है ये पिलोर रीजा है, और सेंटोनाइन खास दवा है। सेंटोनाइन, सेंटोनाइन का आप मालूम कीजिए पोटेंसी में आती है या मदर टिंचर आता है, मेरा जान तक ख्याल है पोटेंसी में आती है, और ये सबसे बढ़िया दवा है पेट के कीड़ों के लिए सेंटोनाइन। इसको 3x में या 6x में 3-4 बार दे सकते हैं। और इसके अलावा एक जो खास दवा है उसका नाम है ट्यूक्यूरियम, ट्यूक्यूरियम एरम वेरम, पूरा नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा, आपको मैं यूं ही कहता हूं ट्यूक्यूरियम।
अगर किसी दवा से पेट के कीड़े नहीं मिटते हैं तो ट्यूकोरियम 200 पोटेंसी रोज की एक खुराक 7 दिन बच्चा बूढ़ा जवान किसी को दें तो बड़ी ये लंबी पटार भी होगी पेट में कीड़ा तो वो भी निकल जाएगी। और इसके अलावा पेट में कीड़ों के लिए ये चेनोपोडियम ऑयल को मलद्वार में लगाना चाहिए, उससे जलन खुजली नहीं होगी। हाँ, अगली जो बीमारी है देखिए कुष्ठ रोग, इसमें बताना बेकार है क्योंकि कुष्ठ रोग, हाँ अगली जो मैं आपको बता रहा हूं, कंपन शरीर में अगर कहीं कंपन हो रहा है, जैसे कहीं आदमी बैठे रहते तो उनकी ये इसको कंपन कहते हैं, जैसे ये चाय पियेंगे तो वो कप कट 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 ऐसा हिलता है, तो ये लक्षण एक तो शराबी आदमी में होते हैं, बुरा नहीं मानना, जो अधिक नशा करता है या चेन स्मोकर है उसकी अंगुलियां कांपेगी, हथेली कांपेगी, ज्यादा शराब पिएगा उसकी कांपेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये एक बीमारी है। जिसने कोई गुटखा पान बीड़ी सिगरेट कोई नशा नहीं किया उसकी भी कांपती है, कईयों की ये कांपती है, वो काम करते रहते हैं और कोई तकलीफ नहीं होती, वही एक बार यूं कांपते हैं और काम करने लग जाते हैं। तो इस कंपन की जो दवा है होम्योपैथिक के अंदर खास दवा कंपन, कभी कभी अपने आंख की पलके यूं यूं करती है, बड़ा अटपटा लगता है, डॉक्टर के पास भगते हैं कि मेरे को क्या हो गया, इसकी कंपन और जो इस तरह आंख फुटफुटाना और ये शरीर के अंदर, जैसे मान लो ये गाल है तो यहाँ की चमड़ी आपको यूं लगता है कि भी अंदर ही अंदर कांप रही है, तो आपका हाथ बार बार यहाँ जाएगा, इसी तरह यहाँ आपको लगता है कि कोई चीज फुदक रही है तो आपका हाथ यहाँ जाएगा। इसकी खास दवा है एगेरिकस मस्केरियस, इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, 1 हफ्ते से ज्यादा बिल्कुल न लें तो डॉक्टर की एडवाइस से लें, इससे इस तरह का कंपन जो भी है आंख से लेकर नीचे एडी तक वो ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा जो कंपन की है नक्सोमिका को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लिया जा सकता है, बिल्कुल सेफ दवा है। अगली जो इसकी एक और दवा है उसका नाम है टेरेंटुला एक तरह के मकड़े से बनती है और 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार अधिक कंपन हो तब देवें, लेकिन सबसे पहले एगेरिकस मस्केरियस 8 दिन 7 दिन से ज्यादा न दें, ये कंपन की खास दवा है। और इसके अलावा जेल्सीमियम, अगर साथ में मानसिक रोग है, अनिद्रा है और रोगी को प्यास कम लगती है तो जेल्सीमियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देने से भी कंपन बंद हो जाता है। अगली दवा मैं आपको बता रहा हूं, जिनके कलेजे के अंदर पल्पिटेशन यानी कि धड़कन बढ़ती है, कई मेरे मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को किसी भी वक्त नब्ज की चाल तेज होकर के और पल्पिटेशन यानी कि धड़कन बढ़ जाती है और ये बढ़ने के बाद घबराहट होती है, 70 से लेकर 75 तक नॉर्मल होती है और 80 से ऊपर जाने के बाद घबराहट होती है, किन्हीं को 90-110 जो पल्स चलती है उन्हें बहुत घबराहट होती है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इसका एक सबसे बढ़िया घरेलू इलाज ये है कि जिनको पल्पिटेशन होती है और हार्ट नॉर्मल है, कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं है, एंजाइटी की वजह से या कोई से बात करते ही अथवा कोई से झगड़ा करते ही अथवा कोई से जोर से बोलते ही जिनकी पल्पिटेशन बढ़ती है, उनके लिए 1 चम्मच आंवले का पाउडर और 2-3 ढाई चम्मच शहद, उसमें बढ़िया मिला करके दोनों टाइम चाटे 1 महीना, आपकी धड़कन बिल्कुल नियमित हो जाएगी अगर पीछे कोई रोग नहीं है तो। ये तो हुआ घरेलू प्रयोग। इसके अलावा जो इसकी दवा है एवानासेटाइवा, ये नर्वस सिस्टम गड़बड़ होने से, शरीर में शक्ति की कमी होने से, वीर्य की कमी होने से, घबराहट से जिनका पल्पिटेशन बढ़ता है तो ये होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा मर्दानगी का और का सब तरह से टॉनिक एवानासेटाइवा मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार महीनों 2 महीना आप ले सकते हैं। अगली जो दवा है वो धड़कन बढ़ती है तो क्रेटिगस एक हार्ट की बहुत
सेफ दवा है, जिनको एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो अथवा हो गई हो अथवा जिनका बीपी एक बार बढ़ गया हो, तो क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा ये इंडियन ले लें, जर्मनी ले लें, इसके 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात को। अगर रोग की तीव्रता हो तो आधे आधे कप पानी में इसको महीना, दो महीना, छह महीना ले सकते हैं। और वैसे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर होती है, तो रूटीन के तौर पे क्रेटिगस को हमेशा ही अपनी डाइट बना लें, तो हार्ट सुरक्षित रहेगा। इसकी फिर सुबह शाम पांच पांच बूंद ही लेनी है। क्रेटिगस एक होम्योपैथिक के अंदर हार्ट की सबसे ऊंची दवा है, और ये ओटरीज जो ब्लॉकेड होती है इनको ब्लॉकेड नहीं होने देगी। क्रेटिगस के साथ आप अर्जुन का मदर टिंचर मिलाएं, जब दो मिल जाएंगे तो फिर वल्ले वल्ले है, हार्ट संबंधी कोई रोग नहीं होगा। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई, कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा धड़कन बढ़ना, और यहाँ दर्द होना, कभी यहाँ दर्द होना, अथवा पहले अटैक आ चुका हो अथवा न आया हो, तो भी इन दोनों दवाओं को 15-15 बूंद आधे कप पानी में क्रेटिगस प्लस अर्जुन मदर टिंचर, ये लेने से बीपी भी नॉर्मल होगा, हृदय आपका सुरक्षित रहेगा, इनका कोई बेड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके अलावा ब्लूमिया कुकरुंदा से बनती है, आयुर्वेदिक दवा है, इसका मदर टिंचर पीने से भी दिल की धड़कन ठीक होती है। और अगली जो दवा है वो भी इंडियन है, एस्पेरेगस, तो इसको 30 पोटेंसी में लेने से भी धड़कन बढ़ जाती है, कम हो जाएगी। और जिनको वीर्य की कमजोरी की वजह से अगर धड़कन बढ़ती है, तो सेलिनियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार एक महीना लें। दोस्तों, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, जिनको ट्यूमर्स हो जाते हैं, हिंदी में अर्बुद कहते हैं, तो इनकी खास दवा है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, ये मदर टिंचर है, 3 बार पीना पिता है। और हाइड्रा स्टिच का मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना होता है। और जख्म अगर कैंसर जैसा है तो कोंडी रेंगो 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। थूजा भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। फार्मिका रूफा ये 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। और चिमाफिला का मदर टिंचर भी बहुत बढ़िया काम करती है। किसमें? अर्बुद दुखना अथवा ट्यूमर, यानी कि इस तरह का फोड़ा हो, तो ये काम करती है। और सर्जन डॉक्टर की एडवाइज करें। दोस्तों, आज का ये पहला भाग मैंने आपको दिया है, और होम्योपैथी के अंदर प्रमुख रोग और उनकी प्रमुख औषधियां, इससे मैंने आपको परिचित कराया। मैं दूसरा भाग और दे रहा हूं, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स।